अक्सर शाम की ठेले वाली नूडल्स खाने का मजा ही अलग है दोस्तों। पर डेली खाने का मन तो करता है पर खा नहीं सकते क्योंकि वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो चलिए ये घर पे ट्राई करते हैं आज नूडल्स जो कि आटे से तैयार करेंगे। अगर आपके घर में आटा बच गया तो उसमें नमक डालकर ये नूडल्स बना लीजिए, नहीं तो क्या करिए आटे को गूंथ लीजिए। तो चलिए आज हम बनाएंगे हेल्दी नूडल्स। तो हमने ले लिया 1 कप आटा और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा नमक और आटे को गूंथ लेंगे। और यहाँ पर एकदम कड़क गूंथना है दोस्तों, देखिए एकदम कड़क गूंथना है, मतलब थोड़ा मुलायम होना चाहिए पर कड़क होना चाहिए। और ये देखिए जो अच्छे से गूंथने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे मतलब अच्छे से मसल लेंगे, इसके बाद 2 लोई बना लेंगे। तो ये 2 लोई से पूरे परिवार के लिए नूडल्स बन के तैयार हो जाएगा, वो भी हेल्दी नूडल्स। तो चलिए हम 2 लोई बना लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, 1 लोई को इस तरह से रोटी जैसा बेल लेंगे। तो यहाँ पे एकदम पतला बेलना है दोस्तों और यहाँ पे जितना बड़ा हो सके ना उतना बड़ा बेलिएगा, मतलब जगह जितना है ना उतना में बेल लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि गोल ही चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो चलेगा। तो चलिए हम रोटी को बेल लेते हैं इस तरह से एकदम बड़ा साइज में, ताकि ये नूडल्स है ना वो लंबा शेप में आए। तो इस तरह से एकदम बड़ा शेप में बेल लेना है रोटी को। और ये देखिए हमारा रोटी कितना बड़ा बेल चुके हैं। तो आप इस तरह से एक बार ये आटे की नूडल्स तैयार करेंगे ना दोस्तों, आप मार्केट से जो जाकर नूडल्स खाते हैं ना शाम को, वो खाना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हमने रोटी को एकदम लंबे साइज में, गोल साइज में, गोल तो नहीं हुआ पर इस तरह से बड़ा साइज में बेल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। तो इसे साइड वाले भाग को कट करके हटा लेंगे और इस तरह से कट कर लेना है, एकदम पतले पतले में और लंबे लंबे साइज में कट कर लेना है। देखिए जितना पतला हो सके उतना पतला कट कर लेना है। और ये देखिए एकदम नूडल्स का शेप आ रहा है ना, तो इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखिए हमने इस तरह से रोटी को कट कर लिया है और ये देखिए। तो चलिए हम एक नूडल्स निकाल के दिखाते हैं और ये देखिए कितना लंबे साइज में हुआ है दोस्तों और ये पतला भी है। तो अब हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि ये चिपके नहीं आपस में। और इसमें डाल देंगे नूडल्स को जो कि आटे से बनाकर तैयार किया था ना, वो डाल देंगे और इसे हम बॉयल कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, मतलब 5 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा, मतलब अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेते हैं और ये देखिए, तो इसे मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल कर लीजिएगा और ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसे निकाल लीजिएगा। और ये देखिए हमारा ये नूडल अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना एकदम अलग अलग दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है ना चिपका नहीं है ना, तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो एकदम अलग अलग दिखेगा दोस्तों। तो चलिए हम इस तरह से सारे नूडल्स निकाल लेते हैं और ये देखिए। तो आप निकालने के बाद क्या कीजिएगा, इसे वॉश भी कर सकते हैं ठंडे पानी से, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। बीच बीच में क्या करना है ना, इसे मतलब पलट पलट करते रहना, नहीं तो क्या होगा चिपक जाएगा। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, लहसुन की कलियाँ, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, सबको हमने इस तरह से लंबे स्लाइसेस लंबे लंबे में कट करके डाला है। आप चाहे तो कोई भी शेप में कट करके डाल सकते हैं और इसमें और भी वेजिट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए भूनने के बाद इसमें नमक डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे और 1 बड़े चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे। और इसमें और भी सॉस ऐड करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे मैं टोमेटो सॉस, तो मेरे पास नहीं था तो हमने स्किप कर दिया। चलिए हम इन सब चीज़ों से ये नूडल्स तैयार कर लेंगे। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसके बाद ऐड कर देंगे नूडल्स को जो बॉयल करके रखा था ना, वो ऐड कर देंगे और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें और भी कोई मसाला ऐड कर देंगे दोस्तों, जैसे में आप पास्ता मसाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं, मतलब फ्लेवर के लिए इससे बहुत ही बढ़िया लगता है ये हमारा नूडल्स। तो चलिए हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला, मेरे पास ये था तो हमने यही डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा नूडल्स बन के तैयार हो गया है दोस्तों, वो भी घर के सामान से, तो है ना मज़ेदार। तो आप रोज़ रोज़ जाते हैं ना शाम के और वो नूडल्स खाकर आते हैं और लगता है ऐसे कि खाऊं ना खाऊं, तो आप एक बार ये आटे की नूडल्स बनाकर देखो दोस्तों, ये एकदम सेहत के लिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है। तो अब हम ऊपर से धनिया की पत्ती से गार्निश कर देते हैं और ये देखिए हमारा ये घर का नूडल्स बन के तैयार है। तो चलिए हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं और ये देखिए। तो आपको ये आटे की नूडल्स कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।